पूरी दुनिया इस समय कोरोना के कहर से परेशान है। भारत में भी इस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अपने सांसद फंड से दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए 50 लाख रुपए देने का फैसला लिया। सोशल मीडिया पर गंभीर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने फंड के 50 लाख रुपए का उपयोग कोरोना के मरीजों के इलाज और उसके लिए लगने वाले जरूरी उपकरणों के लिए देने की घोषणा की। गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिना हथियार जंग नहीं जीती जाती। कोरोना के इलाज और उपकरणों में कोई कमी न हो, इसलिए चाहता हूं कि अस्पतालों को मेरे सांसद फंड से 50 लाख दिए जाएं। अरविंद केजरीवाल घर के अंदर रहें, सावधानी और सफाई रखें और सरकार का साथ दें। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए गौतम गंभीर लगातार लोगों को अपने ट्वीट के जरिए एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। गंभीर ने इससे पहले ट्वीट करते हुए लिखा था कि क्वारंटाइन में रहें या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। घर पर रहिए, खुद को भी बचाइए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। वहीं कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के प्रसार पर रोक लगाने के लिए भारत को अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। भारत चीन जैसा बेहद घनी आबादी वाला देश है और इन घनी आबादी वाले देशों में जो कुछ होता है उससे ज्यादा हद तक कोरोना वायरस का भविष्य निर्धारित होगा। यह वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर पर अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखे। बता दें, पूरे देश में कोरोना की वजह से संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।